और इसमें इसका लास्ट स्टेप होगा स्टेप नंबर 10, फाइंडिंग गेन। ठीक है, जरा केसी की फाइंडिंग, फाइंड केसी बाय यूजिंग मैग्नीट्यूड कंडीशन। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड कंडीशन के हिसाब से हम केसी की वैल्यू निकाल लेंगे। के टी और अल्फा हमारा बाकी स्टेप से आ जाएगा, जहां पे हम पोल और जीरो को प्लेस करेंगे वहां पे। अब इसका एक पूरा प्रोसीजर है कि पोल जीरो प्लेस कर देने के बाद टी और अल्फा की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा अपने इंशाल्लाह जब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द 10 स्टेप्स जिनकी मदद से हम जो है वो अपना लीड कंपनसेटर डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी जाहिर है कि बेटर कि मैं आप लोगों से जो है वो अपना सेशन जो है, जो एग्जाम्पल का सेशन है वो अगली अगले लेक्चर में शुरू करूँ। तो आई विल स्टार्ट माई नेक्स्ट सेशन विद द एग्जाम्पल। ठीक है, तो फिर इसमें ये सारे स्टेप्स जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।